नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। 9 नवंबर को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेंगे एनसीपी प्रमुख शरद पवार। टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने रोमांचक मैच में न्यूजीलैंड को हराया, सेमीफाइनल की रेस में बरकरार। मोरबी हादसे में अब तक 135 लोगों की हुई मौत, गुजरात सरकार ने दी जानकारी। अक्टूबर में 16.6% बढ़कर 1.52 लाख करोड़ रुपए हुआ जीएसटी कलेक्शन, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में उम्मीदवार के नाम के आगे चुनाव चिन्ह न लगाने की मांग वाली याचिका की खारिज। आपने गुजरात चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों के नाम वाली 8वीं लिस्ट की जारी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने रोहित वेमुला की मां से की मुलाकात। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा से 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद। उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा फैसला, 436 पुराने और जर्जर पुलों की जगह बनेंगे नए ब्रिज। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में कटौती, 115 रुपए हुआ सस्ता। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।